उसमें क्या क्या हमारे डिमांड्स हैं वो आपको जो कैसे हम बताएंगे तो आप सबसे बोल जाएंगे। जैसा मैंने कोशिश किया है वो तैयार किया है वो हमारे हमारी तरफ से जो है मेहरबानी नवाजिश और अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे सेहत दे। मैं भी इसी इलाके का हूँ आपसे थोड़ा सा आगे सिर्फ काम करने पे आप कहते हैं मैं भूल गया होता हूँ। और जब जब पुंछ में जो जो कभी भी प्रॉब्लम हुई चाहे 2008 की एजुकेशन हुई तो मैं सेंट्रल टीम को लेके यहाँ आया अगर आपको याद होगा दुकानें जब जली तब भी आया। और जैसे स्पेल साहब ने भी एक बात बहुत अच्छी की मैं इसी पे अपनी बात कहूंगा एजुकेशन को लेके वहां से हम लोग किस तरीके से वहां तक पहुंचे और आज आपके सामने यहाँ पे किबला मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि हमारा एक तो यहाँ पे जमीन जैसे इन्होंने बताया बहुत है सारी चीजें हैं हमारी ये बात आपके वसादे से सेंटर तक पहुंचे गवर्नमेंट तक पहुंचे। एजुकेशन के मसले में हम लोग बहुत ही पीछे हैं माइनॉरिटी अमंग माइनॉरिटी में जो हमारा है किबला चाहे वो हमारी खवातीन को लेके हो या अगर अंजमन जाफरिया सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त मौजूदा अंजमन है वो इस वक्त अंजमन फॉल अंजमन है उसका पीरियड खत्म हो चुका है कौम ने उनको ओहदा नहीं दिया है बंद कमरे में चार बंदे बैठकर एक सदर बन जाता है गवर्नमेंट से लोन मिल जाएगा इसी तरह से जो मराठी एफआईआर है जिसमें मुख्तार अब्बास साहब है वो भी लोन देते हैं तो उसमें भी शर्त यह जमीन होना चाहिए तो जमीनों के आपस कोई कमी नहीं है इस औकाफ अगर सही हो जाए तो करोड़ों की जमीन आपस मौजूद है वक्फ की उस पर कॉलेज भी बन सकता है मेडिकल कॉलेज भी बन सकता है उसके बाद एजुकेशन सेंटर भी बन सकता है सब कुछ बन सकता है लेकिन एक सही अच्छे लोग जाए मोड में तभी होगा ये काम और जो सेंटर का काम होगा इंशाल्लाह उसके लिए हमारे ये देते हुए वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अच्छा हो तो मतलब कोई ऐसा बड़ा काम हो जिससे हर बंदा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा फैजियाब हमारे जनाब जहीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे आशिक काजमी साहब हमारे साथ तो इनके सामने मैं इसलिए आशीर्वाद है कि यहाँ हमारे वालिद मरहूम जो है वो बड़ा कर सब बराबर आया करते थे मेरे चीजा मना कर सारी साहब भी यहाँ आए हैं कला मेरे रिश्ते के दादा लगते हैं मौलाना अली साहब बोला वो भी यहाँ पर आते रहे हैं लेकिन मुझे आने की कभी तौफीक नहीं मिली लिहाजा मैं जम्मू इधर से हाजिर हुआ गवर्नर साहब से मिलने के लिए तो मैंने तय किया कि मैं यहाँ भी मुलाकात करूँ लोगों से तो हालांकि बहुत लंबा सफर है रोड भी बहुत खराब है और स्लिपिंग भी है उसके बाद भी मैं यहाँ हाजिर हुआ और यहाँ के लोगों से बात की और हिंदू भाई भी हमें सब मिले और अहले सुन्नत हज़रात भी शिया हज़रात भी सब मिले और सबकी सिमिलर डिमांड है जैसा डिमांड है कि बहुत पिछड़ा इलाका है यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं गवर्नमेंट को यहाँ के ऊपर अस्पताल इस तरह से नहीं है कि जहाँ कोई ऐसा सख्त मरीज हो उससे यहाँ पर इलाज हो सके एजुकेशन में भी बहुत हाई लेवल की एजुकेशन इदारे नहीं है यहाँ से बच्चों को जम्मू जाना पड़ता है और तो बड़ी दिक्कत होती है बिजली की परेशानी है सड़कें तो हमने खुद ही देख ली मेरे कवर पहले से टूटी हुई थी और थोड़ी बदली टूट गई गवर्नर साहब तो यही कहेंगे इधर जो कि बॉर्डर एरिया है बहुत अहम एरिया है दूसरे दोनों दो साइड से पाकिस्तान है यहाँ तो यहाँ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और यहाँ के लिए खसूसी फंड होते हैं तो फंड जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाए यहाँ के लिए एजुकेशन के लिए सड़कों के लिए पानी के लिए अस्पतालों के लिए और ये सब कामन है यहाँ हिंदू भाई भी परेशान है अहले सुन्नत भी परेशान है शिया भी सब परेशान है ये नहीं कि कोई एक ही फिरके वाला परेशान है तो हमारी डिमांड यही रहेगी कि यहाँ जब आपकी सहूलतें जो बेसिक सहूलतें हैं वो उनको यहाँ मिलना चाहिए और यहाँ पर तरक्की हो यहाँ के नौजवान जो आगे बढ़े और यहाँ जाहिर है कि यहाँ की तरक्की होगी तो एक मिसाल पैदा होगी भाई एक तरफ पाकिस्तान इधर हिंदुस्तानी लोग हैं वहाँ जो है गुर्बत है यहाँ वहाँ फायदा सबसे सही सूरत हाल है तो इससे एक जो है बहुत जो है सियासी फायदा भी आलमी तौर पर पहुँचेगा कि इतने अच्छे हालात जो बॉर्डर के लोग होंगे हैं।